अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन जो कि एमडीके 2021 से बाकायदा एंट्री टेस्ट में शामिल किए गए हैं, आज की इस वीडियो में हम उसी हवाले से जो है वो कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे जिनका ताल्लुक नंबर सीरीज और लेटर सीरीज दोनों से होगा। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो हमारे पास जो है वो नंबर सीरीज का हमारा जो पहला सवाल है, व्हाट विल कम नेक्स्ट। याद रहे कि नंबर सीरीज़ का इससे पहले हमने बिल्कुल बेसिक लेक्चर जो है वो हम ले चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम नंबर सीरीज़ के लेक्चर को हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि पहला लेक्चर देखने के बाद अब आप हमारे इस लेक्चर को थोड़ा तवज्जो से सुनेंगे तो ये लेक्चर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। अब इसमें कहा जा रहा है व्हाट विल कम नेक्स्ट, हमें जो है वो 55, 60, 49, 66, 43, 72 और आगे हमें दो नंबर बताने हैं कि इस सीरीज़ का अगला हिस्से के दो नंबर कौन से होंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसकी जो है वो क्या करनी है, लॉजिक जो है वो क्या करनी है, पहचाननी है। तो सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ 55 है, फिर 60 है, फिर 49 और फिर 66 है, फिर 43 और 72। अब इसमें लॉजिक क्या बन रही है, देखें 55 के बाद जो एक नंबर छोड़कर जो नंबर आ रहा है 49, 49 जो है वो 55 के मुकाबले में क्या है, 6 नंबर कम है, 6 कम है, और 49 के बाद एक नंबर छोड़कर क्या आ रहा है 43, ये भी क्या है, 6 कम है। इसका मतलब एक नंबर छोड़कर जो अगला नंबर होना चाहिए वो भी 6 कम होना चाहिए। इसका मतलब अगला नंबर क्या होना चाहिए, 37 होना चाहिए। लेकिन अब 37 तो दोनों के साथ हैं, इसके साथ भी 37 है, 37 है भाई, 55 था, 49 हो गया, 6 मजीद कम किया 43 हुआ, 6 मजीद कम किया तो 37 हो गया। ये लॉजिक तो समझ में आ गया। अब अगले की लॉजिक हमें संभालनी है, 60 के बाद एक नंबर छोड़कर क्या आ रहा है, 6 का इजाफा हो गया 66, एक नंबर छोड़कर 6 का इजाफा हो गया 72। इसका मतलब अगला हमें एक नंबर छोड़कर हमें मालूम है क्या होगा, 78। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 37 और 78। कैसे हुआ, 55 में 6 कम किए 49, 6 कम किए 43, 6 कम करेंगे तो 37 होगा। यहाँ 6 का इजाफा किया, मजीद 6 का इजाफा किया, एक नंबर छोड़कर मजीद 6 का इजाफा करेंगे तो 78 आएगा। देखें भाई, इस टाइप के सवाल आप जो है ना इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको लॉजिक पहचानने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, लिहाजा इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। अब जो है वो आगे लेटर की बात होगी, व्हाट विल कम नेक्स्ट, अगला क्या होगा, ए के बाद जेड है, फिर सी और फिर क्या है, एक्स है, अगले दो अल्फ़ाबेट हमें बताने हैं। अब देखो भाई, एक डिजिट छोड़कर, एक लेटर छोड़कर अगर आप देखें तो ए के बाद क्या आ रहा है, सी, यानी ए के बाद बी आता है, बी के बाद क्या है, सी, मतलब दो का इजाफा हो गया। इसी तरीके से आगे क्या होना चाहिए, डी छोड़कर क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। भाई ए के बाद बी नहीं है, सी आ गया, सी के बाद डी नहीं है तो आगे क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, लेकिन ई यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी है। अब अगले डिजिट को पहचानना पड़ेगा, जेड है, जेड के बाद क्या आ रहा है, एक्स, आपको मालूम है जेड से पहले वाई आता है और वाई से पहले क्या आ जाता है, जेड से पहले वाई आता है, वाई से पहले एक्स आता है। इसका मतलब एक्स से पहले क्या होना चाहिए, एक्स से पहले W होगा, W छोड़कर क्या आएगा, V आएगा। भाई एक डिजिट छोड़कर एक ऊपर की तरफ गए, यहाँ एक डिजिट छोड़कर एक नीचे की तरफ गए हैं, तो यहाँ क्या होना चाहिए, A, A के बाद B नहीं है, C आया, C के बाद D आता है, D नहीं होगा, E होगा, E तो पता चल गया। अब X से पहले देखो Z था, Z से पहले Y छोड़कर X पे आ गए, अब X से पहले W होगा, W से छोड़कर पहले क्या आना चाहिए, V आना चाहिए। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, EV। क्या आ गया आंसर हमारा, ई वी इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप के फिर से मैं कह रहा हूँ, इस टाइप के सवालात की प्रैक्टिस आपकी इंशाल्लाह जैसे जैसे होती जाएगी आप इसके आते होते जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब भाई ये एग्जैक्ट यही सवाल है भाई, 22 कॉपी पेस्ट हो गया। चले भाई नेक्स्ट, कंटिन्यू द सीरीज, अब नंबर सीरीज की बात हो रही है, 20, 20, 25, 15, 30, 10। अब देखो भाई, 20 के बाद एक नंबर छोड़कर 25 है, एक नंबर छोड़कर 30 है, एक नंबर छोड़कर क्या होगा, देखो भाई 5-5 का इजाफा हो रहा है ना, 20, 5 का इजाफा करो 25, 5 का इजाफा करो 30, 5 का इजाफा करो 35, 35 यहाँ पे भी है, 35 यहाँ पे भी है, वरना क्या होता है एक ऑप्शन के साथ 35 हो तो हम लगा देते हैं, दूसरे को सोल्व ही ना करते हैं, लेकिन दोनों के साथ है। अब अगला हमें देखना है, 20, 5 कम करो 15, 5 कम करो 10, इसका मतलब 5 कम करो तो 5 आना चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ 5-5 का इजाफा हो रहा है और यहाँ 5-5 का कम हो रहा है, तो 20, 25, 30, 35 होना चाहिए, 20, 15, 10 और 5 होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए, 35 और 5।
क्या आंसर होना चाहिए? 35 और 5 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। आगे कंटिन्यू द सीरीज, कंटिन्यू द सीरीज। अब यहाँ हमारे पास जो है वो कैपिटल एफ जी एच आई जे के, अगर आप देखो तो अल्फ़ाबेट जो है वो क्या हो रहे हैं, ऑर्डर से जा रहे हैं, एफ जी एच आई जे के एल एम, हमें मालूम है एल एम होना चाहिए, तो एल एम ये भी है, एल एम ये भी है। अब हमें फैसला करना है, सिर्फ ए बी सी डी तो नहीं पूछेंगे ना, सिर्फ ए बी सी डी तो नहीं पूछेंगे, एल एम में फैसला करना है ये एल एम ले या ए एल एम है। तो अब आप देखें कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, तो कैपिटल और स्मॉल, तो क्या होना चाहिए हमारे पास, कैपिटल और स्मॉल, तो कैपिटल एल और स्मॉल एम इस एम सी क्यू का करेक्ट आंसर है, डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एम सी क्यू हमारे पास है, सेलेक्ट द चॉइसेस दैट कंटिन्यू द सीरीज, हमें जो है वो बताना है, सेलेक्ट द चॉइसेस दैट कंटिन्यू द सीरीज, 2, 3, 4, 6, 6 और 9, 2, 3, 4, 6, 6 और 9। अब भाई देखो 2 के बाद एक नंबर छोड़कर 4 हो रहा है, एक नंबर छोड़कर होता है 6, दो दो का इजाफा हो रहा है, किसका इजाफा हो रहा है, दो दो का, तो 2, 4, 6 और 8 आना चाहिए। अब ऑप्शन में देखो 8 इन दोनों के साथ है, अब अगले की सीरीज़ देखनी पड़ेगी, 3 के बाद 6, 3 का इजाफा हुआ, 6 के बाद 3 का इजाफा करो 9, अब 9 के देखो 3 का इजाफा हो रहा है ना, 9 के बाद 3 का इजाफा करो क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2, 4, 6 और 8, 3, 6, 9 और 12, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 8 और 12। नंबर 26, सेलेक्ट द चॉइसेस दैट कंटिन्यू द सीरीज, हमें कहा जा रहा है चॉइस करो जो सीरीज को कंटिन्यू करे, 1, 4, 2, 8, 3 और 12। अब भाई देखो 1 एक नंबर छोड़कर 2 हो रहा है, 2 के बाद 3 हो रहा है, तो एक नंबर छोड़कर 4 होगा। अब देखो भाई 4 2 के साथ है, अब इन दोनों में फैसला करना, ये दोनों ऑप्शन तो हट गए। अब 4 है, 4 के बाद 8 हुआ, 8 के बाद 12 हुआ, 4 का इजाफा हो रहा है, 4, 8 और 12, और 12 के बाद क्या आना चाहिए, 16, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 4 और 16, 1, 2, 3 और 4 था, तो 4 तो आ गया, 4, 8, 12 और 4 का इजाफा करो 60, करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट विल कम नेक्स्ट, अब देखो 1, 22, 25, 3 और 30, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 आना चाहिए, 4 तो हमें पता चल गया। अब 20, 25, 30, 5 बार का इजाफा हो रहा है तो अगला 35 होना चाहिए, तो 1, 2, 3, 4 होना चाहिए, 20, 25, 30 और 35, तो 4 और 35 क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने इस वक्त जो है कंटिन्यू द सीरीज, 1, 22, 40, 1, 22, 40, 48, 8 और 160। अब आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो रही होगी, तो आपके रिफ्लेक्सेस भी तेज हो चुके होंगे। तो इसमें देखो भाई 1, 2 डबल हुआ, 2 का डबल क्या हो गया 4, 4 का डबल क्या हो गया 8 हो गया, अब 8 का डबल क्या होगा 16, तो 16 हमारे पास यहाँ पे भी और 16 यहाँ पे भी है। अब फैसला हमें जो है वो दूसरे वाले पे करना है, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80, 80 का डबल 160, 160 का डबल 320, तो इसका मतलब 8 का डबल 16 और 160 का डबल क्या हो गया 320, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन बी 16, 320। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कंटिन्यू द सीरीज, हमें सीरीज कंटिन्यू करनी है, 13, 16, 18, 20, 23, 24, 28, 28। अब भाई इसमें देखो एक नंबर छोड़कर देखें तो 13 के बाद 18, 5 का इजाफा हुआ, एक नंबर छोड़ के देखो 5 का इजाफा हुआ, एक नंबर छोड़ के देखो 5 का इजाफा हुआ, अगर आप मजीद 5 का इजाफा करो तो कितना बन जाता है 33, तो 33 हमारे पास यहाँ पे भी है पहला और 33 यहाँ पे भी, अब इन दोनों में हमें फैसला करना है। अगले से फैसला करते हैं 16, 20, 4 का इजाफा हुआ, 4 का इजाफा हुआ 24, 4 का इजाफा हुआ 28, मजीद 4 का इजाफा करो 32, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 33 और 32 हमारा आंसर होगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 33 और 32। ओके, सेलेक्ट द चॉइसेस दैट कंटिन्यू द सीरीज, हमारे पास जो है सीरीज में मैं थोड़ा सा बुक को एडजस्ट करूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आए। ओके, सेलेक्ट द चॉइसेस दैट कंटिन्यू द सीरीज, ओके 1, 10, 3, 8, 5 और 6, अब आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जा रही होगी, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, अब 5 के बाद बताना है, तो 1 के बाद 3 2 का इजाफा हुआ, 3 के बाद 5 2 का इजाफा हुआ, 5 के बाद 2 7 का 7 होना चाहिए, 2 का इजाफा हुआ, अब 7 हमारे पास एक ही ऑप्शन में हमारा आंसर मिल गया,
समझ रहे हो बात, टाइम की शॉर्टेज हो ना, पहले को सॉल्व करो, जो आंसर मिल जाए लगा दो। लेकिन आपको सॉल्व करने की खातिर मैं दूसरा बता रहा हूँ, 10 है, 10 में 2 कम करो 8 हो गया, 8 में 2 कम करो 6 हो गया, 6 में 2 कम करो 4, तो आंसर हमारे पास क्या हो गया 7 और 4 इसका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं नंबर सीरीज के दूसरे लेक्चर में, लेटर एंड नंबर सीरीज के दूसरे लेक्चर से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। हम इसी तरह के लेक्चर जो है वो आपके लिए अपलोड करते रहेंगे जब तक आपका एंट्री टेस्ट नहीं हो जाता। तो आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।